बिहार चुनाव के बाद जहां हर पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है, ऐसे में एलजेपी नेता चिराग पासवान ने TV9 भारतवर्ष को दिए अपने इंटरव्यू में जीत का दावा करते हुए नीतीश कुमार पर कई बड़े आरोप लगाए। चिराग पासवान के लिए, लोक जनशक्ति पार्टी के लिए सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी और सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त कौन सी है जिसको वो चाहते हैं कि इनको तो मैं मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा? दो लोग हैं आपके सामने, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार। नहीं, मैं तो नीतीश कुमार मैं तो खुल के बोल रहा हूँ, पर इसका मतलब अगर आप ये गलती से निकाल लें कि तेजस्वी इसके चक्कर में मुख्यमंत्री बन जाएंगे, वो भी नहीं होने वाला। मैंने Day 1 से कैटेगोरिकली ऑन रिकॉर्ड क्लियर करके रखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार बनेगी। इधर कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने TV9 भारतवर्ष पर बिहार के सियासी समीकरणों पर खास बातचीत की। इस खास इंटरव्यू का कुछ हिस्सा आपको दिखा रहे हैं। पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस और प्राइड, उसके लिए, बिहार की ग्लोरी के लिए ये काम करने आए हैं। इन्हें जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है, हमारा आशीर्वाद है इनके साथ। बिहारी बाबू के बेटे को कोई बाहरी नहीं कह सकता है, उनको भारी कहा है। बहुत भारी उम्मीदवार हैं, इसलिए उनको कई बार सुनाई पड़ रहा है बाहरी। बाहरी कैसे हो सकते हैं, वो उनका घर है यहाँ पे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।